क्या आप जानते हैं इलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रखता है। तो बात यह है कि इलोन मस्क ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में आज से पहले कभी नहीं हुआ, जो आने वाले फ्यूचर को बदल करके रख देगा। अगर हम टेलीपैथी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसे कोई कर नहीं पाया है। पर क्या आप जानते हैं कि यही टेलीपैथी जो हमें लगता है कि ये हमसे तो ना हो पाएगा, पर अब यही हकीकत होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी से नहीं, टेक्नोलॉजी से। इलोन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, जो एक ऐसे चिप पर काम कर रही है, यहाँ तक कि उसे बना भी चुकी है और ह्यूमन ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये कंपनी जो चीज़ बनाई है असल में वो पूरी दुनिया बदल के रख देगी। इस चीज़ के पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस चिप का यूज़ जब एक इंसान के ब्रेन में लगा करके किया गया तो वो केवल अपने सोचने की क्षमता से टाइप कर सकता था। I'm an engineer at Neuralink. My name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. So I'm a complete quadriplegic. So I'm paralyzed from below the shoulders. I have no sensation or movement below my level of injury, so below my shoulders. इस चिप के अंदर इतनी पावर है कि एक बुद्धू इंसान को भी जीनियस बना सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई इंसान है जिसको मैथ अच्छी तरीके से नहीं आता, पर ये चिप लगने के बाद जो भी चीज़ें होंगी उसके साथ, उसके बाद से वो मैथ जैसे घोर के पी जाएगा। मतलब ये भाई आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर। देखो ये चिप ह्यूमन ब्रेन में लगाई जाती है, वो भी एडवांस सर्जरी के जरिए, और इस चिप का ह्यूमन ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा है। तो ये जल्द ही अवेलेबल होने लगेगी आपके मार्केट में, पर आई डोंट नो कि इसका प्राइस कितना होगा। और इतनी आसान तो नहीं है इसको कि ये कम टाइम के अंदर पूरे मार्केट में अवेलेबल हो जाए, बट हाँ ये सक्सेसफुल हो चुका है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कब आएगी, नहीं, वो मार्केट में आ ही चुकी है, बस थोड़ा सा टाइम और है। तो बात जैसे कि हमने शुरुआत में बोला था कि टेलीपैथी, तो इससे टेलीपैथी हो कैसे रहा है? देखो आप टेलीपैथी इससे कर तो सकते हैं, उसके लिए आपके पास भी चिप होना चाहिए और आप जिसके साथ करने वाले हैं उसके पास भी वो चिप होनी चाहिए। बोले तो इस चिप में जो भी डेटा कलेक्ट करेगा आपके ब्रेन से, आप जो सोच रहे हैं, फिर इसको ये ट्रांसफ़र करेगा उस चिप में जो भी रिसीवर लगा होगा। तो इस टाइप से ये काम करेगा जब आप टेलीपैथी करेंगे। तो आप टेलीपैथी सबके साथ नहीं कर सकते, इसको लगाने के बाद केवल उन्हीं लोगों के साथ आप टेलीपैथी कर पाएंगे जो ये चिप पहले से इंस्टॉल किए हैं अपने ब्रेन में। बट फिर भी आप ज़रा सोचिए कि केवल सोच करके आप मन ही मन किसी से बात कर पाएंगे। गाइस ये चीज़ बहुत कमाल होने वाली है, हमें तो बस इसका वेट है कि ये जल्दी मार्केट में आए। गाइस देखो ये जो टेलीपैथी वाली टेक्निक है इस पर अभी काम चल रहा है। तो गाइस अगर जो आप इस चीज़ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को ज़रूर चेक करना, वो वीडियो आपको हर एक चीज़ बता देगी इस चीज़ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great.